नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपी समेत 3 राज्यों में हिंसा पर एक्शन। यूपी के 9 जिलों में 13 एफआईआर दर्ज। अब तक 304 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। संदिग्धों के ठिकानों पर कार्रवाई जारी। यूपी में हिंसा के बाद सीएम योगी के तीखे तेवर। अधिकारियों को किया अपराधियों पर कार्रवाई के लिए फ्री हैंड। कहा, अपराधियों और माफियाओं पर चलता रहेगा बुलडोजर। सोनभद्र में योगी सरकार के 3 मंत्रियों ने सुनी फरियाद। सरकार चली जनता के द्वार कार्यक्रम में मंत्रियों से लोग कर रहे हैं सीधा संवाद। मंत्रियों ने अधिकारियों को दिए कार्रवाई के निर्देश। जौनपुर में पिता ने किया रिश्तों को तार तार। 2 बेटियों ने पिता सहित 3 अन्य पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। बेटियों ने कराया मुकदमा दर्ज। आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। बुलंदशहर औद्योगिक इलाके में साबुत फैक्ट्री में लगी भीषण आग। कई दमकलों ने आग पर किया काबू। प्रशासन ने की आग लगने के कारणों की जांच शुरू। अब खबरें विस्तार से। जुमे की नमाज के बाद यूपी समेत 3 राज्यों में हिंसा भड़काने की घटना के बाद सरकार अलर्ट मोड पर है। घटना के बाद से पुलिस प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। यूपी में हिंसा मामले में 9 जिले में 13 एफआईआर दर्ज की गई, जबकि 304 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई। इधर मुशादराबाद हिंसा में भी पुलिस छापेमारी कर रही है। इसी तरह सड़कों पर निकलने वाले लोगों को हिरासत में लेने का आदेश भी दिया गया। आपको बता दें चलें कि पिछले दिनों पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करते हुए ये प्रदर्शन किया गया था। यूपी के कई जिलों में हुई हिंसा के बाद योगी सरकार अलर्ट मोड पर है। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि अपराधियों और माफियाओं के विरुद्ध बुलडोजर की कार्रवाई सतत जारी रहेगी। किसी गरीब के घर पर गलती से भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। यदि किसी गरीब और असहाय व्यक्ति ने कतिपय कारणों में अनुपयुक्त स्थान पर आवास निर्माण करा लिया है तो पहले स्थानीय प्रशासन द्वारा उसका समुचित व्यवस्थापन किया जाएगा। वहीं माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों के साथ पूरी कठोरता की जाएगी। ऐसे लोगों के लिए सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। एक भी निर्दोष को छोड़ा नहीं जाएगा और कोई भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा। यूपी के सोनभद्र स्थित दूड़ी में योगी सरकार के 3 मंत्रियों ने सरकार चली जनता के द्वार के तहत लोगों की फरियाद सुनी। इस दौरान 3 मंत्रियों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिष्टाचार भेंट की। वहीं इसके बाद सरकार योजना का फायदा लेने वाले लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। मंत्रियों ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि लाभार्थी के समस्याओं का समाधान निष्पक्ष रूप से किया जाए। आपको बता दें कि सरकार चली जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत कैबिनेट मंत्री राकेश सचान स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल और राज्य मंत्री अनुप प्रधान दूड़ी दौरे पर रहे। यूपी के बस्ती में आबकारी एवं मृदय निषेध राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने जिला अस्पताल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने वार्ड में भर्ती मरीजों से व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली और साथ ही चिकित्सकों के बर्ताव और कार्यशैली को भी जानने का प्रयास किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री नितिन अग्रवाल ने जिला अस्पताल में साफ सफाई पर संतोष व्यक्त किया। इस अवसर पर विधायक अजय सिंह, महेश शुक्ला, जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन, पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव, सीएमओ डॉक्टर चंद्रशेखर समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
बस्ती में अमृत सरोवर तालाब का बीजेपी विधायक ने भूमि पूजन किया। जल संरक्षण के लिए अमृत सरोवर योजना के तहत तालाब को पुनर्जीवित किया जा रहा है। आपको बता दें, क्षेत्रीय विधायक अजय सिंह ने बताया कि तालाब के निर्माण से पशु पक्षियों को साल भर पीने का पानी मिलता रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए सभी को आगे आकर सहयोग करना चाहिए। सतही जल की कमी हो रही है। अमृत महोत्सव के माध्यम से इस अमृत सरोवर का हम लोगों ने जो शिलान्यास किया है, इसमें वर्ष भर पानी रहेगा। और जब वर्ष भर पानी रहेगा तो 2-4 किलोमीटर दूर के जितने भी पशु हैं, जंगली पशु हैं, छिट्टा पशु हैं, जो पक्षी हैं, इस पे चारों तरफ पेड़ लगेगा। अब खबर यूपी के मिर्जापुर से है, जहां अरोरा थाना पुलिस ने 9 जून को हुई नाबालिग अमित कुमार की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक अमित को घर से बुलाकर मौत की नींद सुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन का प्रेमी निकला, जो उसके ही घर के सामने रहता है। उसने अपने नाबालिग दोस्त के साथ वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त रॉड बरामद की है। वारदात का खुलासा SP नक्सल महेश अथरी ने किया है। 2022 को थाना रोरा पर एक सूचना मिली कि गांव अधवार में एक बच्चे की लाश रास्ते में पड़ी है। इस सूचना पर थाना रोरा थाना अध्यक्ष, CO ऑपरेशन और खुद मेरे द्वारा और कप्तान साहब के द्वारा मौका मुआयना किया गया और जानकारी करने पर पाया गया कि भोरीलाल प्रजापति है, ये उनका पुत्र अमित कुमार प्रजापति। भोरीलाल प्रजापति की तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 100/2022 धारा 302, 504, 506 पंजीकृत किया गया, जिसमें उन्होंने 3 लोगों को नामजद किया गया और तीनों ही लोग गांव के रहने वाले थे। यूपी के महाराजगंज से है, जहां कोलहुई थाना क्षेत्र के जोगियाबारी में डीजल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया, जिसमें ड्राइवर और खलासी घायल हो गए। वहीं टैंकर पलटने के बाद टैंकर की टंकी फट जाने से डीजल बाहर निकलने लगा। वहीं मौके का फायदा उठाकर ग्रामीण डीजल लूटने में जुट चुके। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, साथ ही टैंकर को क्रैन की मदद से साइड करवाया गया। जल भर के नेपाल की तरफ जा रहा था। कुलही थाना अंतर्गत एक सड़वा के पास, जोगियाबारी पुलिया के पास जो है पहुंचा था, अनियंत्रित होकर के टैंकर पलट गई, जिसमें ग्रामीणों के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से ड्राइवर और खलासी को काल कर स्थानीय मेडिकल पर भेज करके उपचार कराया गया। चौकी जोगियाबारी के पास अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें ड्राइवर और क्लीनर घायल हो गए थे। उनको बाद फर्स्ट एड अस्पताल रवाना कर दिया गया है। पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और जो कुछ तेल का रिसाव हो रहा था टैंकर में, कहीं से रिसाव हो रहा था, तो उसके पब्लिक के लोग उसे भर भर के भाग रहे थे। तो खबर यूपी के जौनपुर से है, जहां सुरेरी थाना क्षेत्र के एक गांव से पिता की हैवानियत का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि 2 किशोरियों ने पिता समेत 2 से 3 अन्य लोगों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया और मां सहित दोनों किशोरियों ने थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। जौनपुर के सुरेरी थाना अंतर्गत एक गांव से एक ये सूचना आई है कि एक व्यक्ति अपनी ही 2 पुत्रियों के साथ दुष्कर्म कर रहा था और उन लड़कियों की जो माँ है उसने ये तहरीर दिया है। इस तहरीर पर तत्काल थाना सुरेरी में क्राइम नंबर 73/22 अंतर्गत धारा 376, 506 और 5/6 पॉक्सैक्ट का अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इस घटना में जो अभियुक्त पिता है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित बुंदेलशहर औद्योगिक क्षेत्र में एक साबुन फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में आग लगने की सूचना पाकर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस आग में किसी के हताहत या
घायल होने की सूचना नहीं है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।